Welcome to BPSC Concept Wala Newspaper Analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated October 4th, 2024 and the day is Friday. तो हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस में सारे न्यूज़ को डिटेल में देखेंगे, बट उससे पहले थोड़ी सी हेडलाइंस। तो पहली हेडलाइन इम्पोर्टेंट ये है कि सेंसेक्स और निफ्टी सारे के सारे 2% तक गिर गए। न्यू FNO फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो चेंजेस लेकर आई है सेबी, उसके वजह से, और वेस्ट एशिया में तो आपको पता ही है क्या सिचुएशन हो गई है उसको लेकर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। और इसमें अगर हम लोग कहें तो इन्वेस्टर्स ने 9.78 लाख करोड़ रुपए खो दिए हैं एक दिन में। तो जो डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडाइसेस होती हैं सेंसेक्स और निफ्टी, वो क्रैश कर गया थर्सडे को 2% ईच के हिसाब से। और ये क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो गई हैं वेस्ट एशिया में इसके वजह से। और अगर वेस्ट एशिया में कोई प्रॉब्लम होता है ना, जो मिडिल ईस्ट वाला रीजन है, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल जो है मोस्टली उसी रीजन से हमें मिलता है, ईरान, कतर, इराक, ये वाले रीजन से। तो इस वजह से सऊदी अरेबिया, यहाँ वहाँ से हम लोग को क्रूड ऑयल्स मिलते हैं। तो उसका प्राइस अगर बढ़ेगा तो ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट पर फ़र्क पड़ेगा। रीसेंट नॉर्म आपको सेबी का मैंने बताया था कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन लोगों ने स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को रोकने के लिए चेंजेस करी, वो मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया था ताकि इन्वेस्टर्स बेमतलब का नाम इसमें इसका प्राइस इन्फ्लेट कर पाए। तो जो इस वजह से क्या हुआ ना, जो मार्केट है वो उसमें हैवी सेलिंग होने लगी और जो पूरा का पूरा लोग है मार्केट में वो स्पूक्ड हो गए। स्पूक्ड का मतलब डर गए कि ये एक नई सिचुएशन आ गई है, पता नहीं क्या है, फ्यूचर ऑप्शंस लेकर आ गए हैं। तो इस वजह से 30 शेयर सेंसेक्स के गिर गए 2.1% के हिसाब से, और निफ्टी में 546.8 पॉइंट्स गिर गए। तो ये बहुत बड़ा नंबर गिरा है। और इसराइल में आपको पता ही है, इसराइल में इवैकुएशन की बात हो रही है साउथ लेबनन, तो जो भी लोग साउथ लेबनन में हैं वहाँ से इसराइल जो है इवैकुएट करा के लेके आएगा, ये सिचुएशन है। दूसरी, ईडी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये अपना गुड़गांव वाला ऑफिस एक फार्म हाउस से चला रहा है जो इसने कॉन्फिस्केट किया था। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक है ना, वो इसको चैलेंज करेगी कोर्ट में कि ये जो फसाड है, ईडी ने पकड़ा इसको, और फिर ईडी यहीं पे चला रहा है। इंडोर में यहाँ पे स्विमिंग पूल है, ये है वो है, तो ये आपने सरकारी फ्यूचर्स फर्नीचर लगा दिया, पूरा सरकारी काम कर रहे हो, तो ये सही नहीं है, ठीक है। वहाँ पे अपने ऑफिस लगा दी, सीज्ड व्हीकल्स भी अंदर अंदर है, स्विमिंग पूल एरिया में टूटे हुए फर्नीचर पड़े हुए हैं। तो इस पर PSU बैंक ने कोर्ट में जाके चैलेंज कर दिया है। उसके अलावा आपको पता है मैरिटल रेप का इशू हमेशा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट ने क्या बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है कि वाइफ का कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है, हस्बैंड को भी इवन, लेकिन मैरिटल रेप को क्राइम बना देना या क्रिमिनल घोषित कर देना थोड़ा ज़्यादा हार्श होगा। तो ये वाली चीज़ सरकार की है, सेंटर की है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे कहा, व्हाइल हस्बैंड सर्टेनली डज नॉट हैव एनी फंडामेंटल राइट टू वायलेट द कंसेंट ऑफ वाइफ, कॉलिंग सच अ वायलेशन एज अ रेप इज एक्सेसिवली हार्श। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये थोड़ा ज़्यादा हार्श हो जाएगा इसको चीज़ को कहना। एक 49 पेज की एफिडेविट फाइल की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जिसमें कहा गया था कि दैट अ हस्बैंड सर्टेनली डज नॉट हैव एनी फंडामेंटल राइट टू वायलेट द कंसेंट ऑफ वाइफ, लेकिन इसको रेप कह देना वुड बी अ स्ट्रेच, बहुत बड़ी चीज़ होगी, थोड़ा हार्श हो जाएगा। तो अभी तक इस पर कोई कंक्लूसिव चीज़ निकल के नहीं आई। कुछ लोग चाहते हैं कि मैरिटल रेप को क्राइम घोषित कर दिया जाए, कुछ लोग बोलते हैं कि ये थोड़ा सोसाइटल फैब्रिक को तोड़ देगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर डिबेट होती रहेगी, और इस तरह के टॉपिक पर हमें इतना सोचना नहीं है, बस पता रखना है कि कहाँ चल रहा है, ठीक। जम्मू कश्मीर में पीस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको पता ही कि आखिरी के 2 सालों में जम्मू कश्मीर काफ़ी पीसफुल और स्टेबल रहा है, ऐसा जनरल ऑफिसर कमांडर बोल रहे हैं, श्रीनगर बेस्ड के 15 कॉप्स के जो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं, उन्होंने कहा है कि लास्ट 2 साल में कश्मीर काफ़ी पीसफुल ही रहा है, ठीक है। उसके अलावा पॉसिबिलिटी कि एक विड्रॉल हो सकता है ट्रूप का फ्रॉम वैली, ये भी हो सकता है कि ट्रूप वैली से चले जाएं, ठीक है। तो उस पर इन्होंने कहा है कि ये तो अब देखा जाएगा कि किस तरह का इन्फिल्ट्रेशन का सीन चल रहा है। इन्फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि जब कोई दूसरे कंट्री या जगह से कोई आके इन्फिल्ट्रेट करते, घुस जाए हमारे बाउंड्री में, तो उस सिचुएशन को देखते हुए सिचुएशन पे बात की जाएगी। उसके अलावा जो ये वाली न्यूज़ है इसको हम अंदर डिटेल में देखें। तो देखो,
न्यूज़पेपर एनालिसिस अब हम करने वाले हैं। पहली न्यूज़ क्या है, यूके ने चागोज आइलैंड की सॉवरेनिटी मॉरिशस को दे दी पर बेसेस अपने वहीं पे रखे हुए। इंडिया ने इस डील को हेल किया, मतलब इंडिया ने इसकी तारीफ की कि बहुत अच्छा डील है। तो देखो कहानी क्या है ना, आपको पता ना ब्रिटेन ने हमें अगर कॉलोनाइज किया है तो हर जगह को कॉलोनाइज किया है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको मैं बता दूं कि यूके ने मतलब ब्रिटेन ने क्या किया था, चागोस आइलैंड पे अपनी सॉवरेनिटी रखी हुई थी कि ये हमारा है। और चागोस आइलैंड जो है वो 60 आइलैंड का मिला हुआ एक आर्किपिलेगो है इंडियन ओशियन के अंदर। तो थोड़ा पिक्चर में मतलब आपको मैप दिखा देते उन्हें तो क्या ही समझ आएगा। ये देखो ये है चागोस आर्किपिलेगो, खूब सारे आइलैंड से मिलकर के बना है, इंडियन ओशन में है, देख सकते हो आप इंडिया के नीचे है, यहाँ पे मालदीव्स है, मालदीव्स के पास था। लेकिन आप सोच सकते हो कहाँ मालदीव्स के पास है ये और कहाँ ये यहाँ से यूके ने अपनी यहाँ पे सॉवरेनिटी डाली हुई थी, क्या मेरा है मेरा मेरा, यहाँ से यहाँ जाके बोल रहा है कि मेरा है, मतलब क्या ही बोल सकते हैं इन लोगों। एक टाइम पे ब्रिटेन को कहा जाता तो उसने पता नहीं क्या ही करता, वो पूरे वर्ल्ड को बोल देता हमारा है। ठीक है, कोशिश भी की, बहुत जगहों को कॉलोनाइज किया, ऑस्ट्रेलिया को कॉलोनाइज किया, इंडिया को कॉलोनाइज किया, इधर वाले रीजन में सिंगापुर इंडोनेशिया वगैरह रीजन में भी गए ये लोग स्पाइस ट्रेड को लेकर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो क्या है ना, चागोस जो है वो 60 आइलैंड का एक आर्किपिलेगो है। ठीक है, ये है। अच्छा, अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम ये आर्किपिलेगो आप क्या बोल रहे हैं। आर्किपिलेगो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जब स्कैटर्ड हो, बिखरे हुए हो, स्कैटर्ड इन अ बॉडी ऑफ वाटर में जब स्कैटर्ड हो, ठीक है, जैसे कि किसी ओशन में, लेक में या रिवर में, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको आर्किपेलेगो बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही चागोस आइलैंड इज एन आर्किपेलेगो क्योंकि यहाँ कितने 60 आइलैंड्स जो हैं वो घिरे हुए हैं। यहाँ पे क्या था ना, यूके यूएस के कुछ स्ट्रेटेजिक बेसेस हैं। कहाँ पे है, तो डिएगो गार्सिया में है। तो अब ये इंपॉर्टेंट है काफी आपके लिए कि डिएगो गार्सिया में यूएस और यूके के इम्पोर्टेंट बेस है, वो इन्होंने रखा हुआ है अभी भी कि हाँ हम अपना बेस मेंटेन करेंगे, पर सॉवरेनिटी मॉरिशस को दे दी। 50 साल के टाइम में पहली बार अनडिस्प्यूटेड और लीगली सिक्योर हो गया है ये जो बेस है। ठीक है, पहले क्या था कि नहीं यूके का है, ये है, वो है, ये लड़ाई चलती रहती थी यूके और ब्रिटिश के बीच में। लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि 50 साल के टाइम में हम तुमको दे रहे, ले लो तुम। इंडिया ने इस अग्रीमेंट को वेलकम किया है और बोला है कि इस तरह से कंप्लीट होता है डीकोलोनाइजेशन ऑफ मॉरिशस। अभी तक मॉरिशस पूरी तरह से डीकोलोनाइज नहीं हुआ था, अभी भी कॉलोनी था वो ब्रिटिश का, क्योंकि चागोस आइलैंड जो है वो इन्होंने ले रखा था। लेकिन अब पूरी तरह से कह सकते हैं कि मालदीव डीकोलोनाइज हो गया, ऐसा इंडिया कह रहा है। ठीक है, और इंडिया ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कहाँ पे, बैकग्राउंड में। इंडिया हमेशा ना इन तरह की चीज़ों में किसी को सॉवरेनिटी दिलाने में बहुत मदद करता है। ठीक है, और इंडिया हमेशा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तभी ना इंडिया को विश्व गुरु का टाइटल देते हैं हम लोग। हमेशा बोलते हैं जब भी कोई चीज़ होती है पीस ट्रीटी, तो इंडिया को बोला जाता है कि आप जाइए, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़, ये इंडियन ओशन रीजन में अगर ये मिल गया है, वेट अ मिनट, हाँ जी, अगर ये इंडियन ओशन रीजन में इस तरह की चीज़ होगी, तो यूके ने एक्नॉलेज करते हुए कहा इंडिया का रोल इन रीचिंग टूडेज पॉलिटिकल अग्रीमेंट, वी हैव एंजॉयड द फुल सपोर्ट एंड असिस्टेंस ऑफ क्लोज पार्टनर लाइक यूएसए एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो यूके खुद बोल रहा है कि यूएस और इंडिया ने बहुत हेल्प किया है। ये पॉलिटिकल अग्रीमेंट इज अ सब्जेक्ट टू द ट्रीटी एंड सपोर्टिंग लीगल इंस्ट्रूमेंट बींग फाइनलाइज। एक ट्रीटी होगी, इस ट्रीटी के अंदर यूके अग्री करेगा कि मॉरिशस सॉवरन है, चागोस आर्किपेलेगो इनका है और डिएगो गार्सिया भी इनका है। एट द सेम टाइम बोथ आर कंट्रीज आर कमिटेड टू द नीड एंड विल अग्री इन द ट्रीटी। दोनों कंट्रीज अग्री करेंगे जो बेसिस हैं डिएगो गार्सिया में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी में। और इनिशियल पीरियड 99 साल का, यूके विल बी ऑथराइज टू एक्सरसाइज विद रिस्पेक्ट टू डिएगो गार्सिया द सॉवरेन राइट्स एंड अथॉरिटी ऑफ मॉरिशस रिक्वायर्ड टू इंश्योर द कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ द बेस वेल इनटू द नेक्स्ट सेंचुरी। मतलब आने वाले 99 सालों में यूके डिएगो गार्सिया पे अपना कंट्रोल रखेगा और फिर आगे डिसाइड करेगा कि क्या करना है। डिएगो गार्सिया जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
उसके अलावा ये ट्रीटी एड्रेस करेगी रॉन्ग्स ऑफ द पास्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट करेगी कमिटमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज टू सपोर्ट द वेलफेयर ऑफ चागोशियंस। चागोशियंस किसको कह रहे हैं? चागो आइलैंड के लोगों को कह रहे हैं। मॉरिशस विल नाउ बी फ्री टू इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम ऑफ रीसेटलमेंट इन द आइलैंड ऑफ चागोज आर्किपेलागो अदर देन डिएगो गार्सिया, क्योंकि आपको बता ही दिया। एंड यूके विल कैपिटलाइज अ न्यू ट्रस्ट फंड एज वेल एज सेपरेटली प्रोवाइड अदर सपोर्ट। यूके अपना एक ट्रस्ट फंड बनाएगा लेकिन सपोर्ट भी देगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज इसी को अंदर में डिटेल में कि चागोज आइलैंड इन द मैटर क्यों करता है और यूके जो है वो डिएगो गार्सिया क्यों रखना चाहता है। मॉरिशस को दे दिया इसने पूरी सॉवरेनिटी लेकिन ये डिएगो गार्सिया रखना चाहता है। तो देखो क्या है क्यों है इस पर हम बात कर चुके हैं। चागोज आर्किपेलागो में 58 आइलैंड्स हैं जो कि 500 किलोमीटर साउथ ऑफ मालदीव्स आर्किपेलागो और इंडियन ओशन के हैं। ये आइलैंड्स अनइनहैबिटेड हैं, अनइनहैबिटेड थे 18वीं सेंचुरी तक। तब फ्रेंच यहाँ पे स्लेव लेबर के लेकर आए, कहाँ से? अफ्रीका और इंडिया से, और ये न्यूली इस्टेब्लिश कोकोनट प्लांटेशन में काम करने के लिए। और 1814 में फ्रांस ने ये आइलैंड ब्रिटिश को दे दिया। 1965 में यूके ने कॉन्स्टिट्यूट किया ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी जिसमें चागोज आइलैंड एक सेंट्रल पार्ट था। चागोस अटैच है मॉरिशस से जो कि दूसरा ब्रिटिश कॉलोनी था इंडियन ओशन का फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। जब मॉरिशस को इंडिपेंडेंस मिलती है 1968 में तो चागोस जो है वो ब्रिटेन के पास रहता है और यूके गवर्नमेंट जो है वो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री को 3 मिलियन पाउंड्स देता है ओवर द डिटैचमेंट ऑफ चागोज आर्किपेलागो। क्या आप चागोज आर्किपेलागो से डिटैच रहो, हम आपको 3 मिलियन पाउंड्स देंगे, ठीक है। स्ट्रेटेजिकली मिलिट्री बेस है ब्रिटेन जो है सॉवरेनिटी चागोज आइलैंड की इसलिए रख रहा था क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। 1966 में ब्रिटेन ने साइन किया था एक अग्रीमेंट यूएस के साथ जिसमें बायोट, ये जो बायोट क्या है, बायोट इज ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी अवेलेबल कराई दो कंट्री के लिए फॉर डिफेंस नीड। यहाँ पे लैंड अक्वायर किए गए 1967 में और 4 साल बाद प्लांटेशन डिएगो गार्सिया जो कि लार्जेस्ट आर्किपेलागो है वो शट डाउन कर दिया गया, ठीक है। प्लांटेशन जिसके लिए उन लोगों को लाया गया था। बायोट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस लेके आया जिसमें अनलॉफुल हो गया एक इंसान का एंटर करना या फिर रहना डिएगो गार्सिया में बिना परमिट के, और इनेबल कर दिया रिमूवल ऑफ दोज जो कि आइलैंड में थे। अराउंड 2000 सिविलियंस को निकाल दिया गया वहां से डिएगो गार्सिया से, और एक इशू लाया गया कि जो भी डिस्प्यूट है यूके और मॉरिशस के बीच में उसमें एक इशू दिया गया। डिएगो गार्सिया फुल्ली ऑपरेशनल मिलिट्री बेस बनता है 1986 में, और एक आर्टिकल के हिसाब से जो फॉरेन पॉलिसी में लिखा है, थैंक्स टू इट्स वाइटल लोकेशन आइलैंड में मिलिट्री बेस है जो कि सेंट्रल नोडल बेस है अमेरिकन एयर ऑपरेशन के लिए जब गल्फ वॉर हुए थे और जब इराक और अफगानिस्तान में वॉर हुआ था या 9/11 के पोस्ट, यहाँ पे बहुत सारे डिटेंशन सेंटर थे किसके, CIA के। CIA किसका इंटेलिजेंस एजेंसी है? US का इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट आपके, CIA US की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है। तो CIA के बारे में कहा जाए, CIA यहाँ पे डिटेंशन सेंटर भी रखा था कब, पोस्ट गल्फ वॉर एंड पोस्ट 9/11, ओके। एक तो ये चीज हो जाती है। अभी जो टेंशन चल रहे हैं ना, कहाँ पे टेंशन चल रहे हैं, वेस्ट एशिया में, तो एक प्रेजेंस इंडियन ओशन में रखना बहुत जरूरी है US के लिए। डिएगो गार्सिया वही प्रेजेंस अमेरिका को दिलाता है, क्यों? क्योंकि अमेरिका यहाँ से मलक्का स्ट्रेट को मॉनिटर कर सकता है जो कि एक चोक पॉइंट है वर्ल्ड ट्रेड का, जो कि चाइना के लिए बहुत ज्यादा वाइटल है। तो क्या है मलक्का स्ट्रेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर आपका मलक्का स्ट्रेट है। अभी यहाँ पे इसको नजर रखना है यूएस को, तो यूएस भैया इधर है, इसको इधर मलक्का स्ट्रेट पे नजर रखना है, तो इसके लिए यहाँ पे बेस रखना बहुत जरूरी है। इसलिए यूएस और यूके यहाँ पे बेस रखने की बात करते हैं, यहाँ चागोज आर्किपेलागो में। ये स्ट्रेटेजिक हो जाता है, क्या हो जाता है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाता है। और ये चोक पॉइंट है, कैसा चोक पॉइंट है, ये चोक पॉइंट है चाइना के लिए, अगर कभी चाइना किसी तरह का वॉर करने की कोशिश करता है तो ये एरिया पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए चागोज में ये लोग अपना बेस रखने की बात कर रहे हैं। ट्रीटी का सिग्निफिकेंस क्या है? मॉरिशस बहुत समय से क्लेम करता है कि यूके ने इलीगली चागोज को ऑक्यूपाई करके रखा, और ये मैटर कई बार इसने इंटरनेशनल फोरा पे डाला है, लेकिन फाइनली एज अ नेशन जो कि पहले ब्रिटेन से कॉलोनाइज था, इंडिया ने खुद एक कॉलोनी होते हुए बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया मॉरिशस को अपना चागोज आइलैंड के क्लेम के लिए। इंडिया ने वोट भी किया था 2019 में फेवर में कि इसको मिल जाना चाहिए, तो ये सारी चीजें हमने की थी और आज फाइनली ये चीज हुई। अर्लियर इस साल इंडिया ने एक एयर स्ट्रिप और जेटी इनॉग्रेट किया था आगरलेगा में, जो कि 2 आइलैंड डिपेंडेंसी है मॉरिशस में। तो अब आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता आगरलेगा कहाँ है, तो आगरलेगा इज इन मॉरिशस, ठीक है।
और इंडिया ने इसमें इस साल एक क्या बनाया है, एक एयर स्ट्रिप बनाई है, एयर स्ट्रिप एंड जेटी बिल्ट बाय इंडिया, बाय इंडिया, तो इंडिया ने बना रखा है इसको। तो ये हमारा भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्टेक है मॉरिशस में, इसलिए हम लोग बहुत जो है वो इनसे एम्पेथाइज भी करते हैं और इनसे एक रिलेशन भी अच्छी रखी हुई है हमने। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। उसके अलावा आपके ऑफलाइन टेस्ट आने वाले काफ़ी नज़दीक हैं, एक दिन बचा है, आई होप आप लोग जम के रिविजन कर रहे होंगे। बढ़िया से एकदम टेस्ट देना है, अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है, ज्यादा टेंशन में भी नहीं आना है, आराम से प्यार से पेपर देना है। उसके अलावा प्रैक्टिस करते रहिएगा, करंट अफेयर की अब तो क्लासेस भी आ गई हैं, उसको रिवाइज करते रहिएगा और सब सेट है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो मलेरिया की केसेस है उनमें 65% मलेरिया और चिकनगुनिया की केसेस में 65% स्पाइक देखा गया है। ठीक है, दिल्ली ने विटनेस किया एक सिग्निफिकेंट स्पाइक इन मलेरिया केसेस विद 430 केसेस इन सितंबर ओनली, मतलब 28 सितंबर 430 केसेस आना है, बहुत बड़ी बात है। ये सर्ज बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस इसलिए भी हो रहा है क्योंकि अगर सेम टाइम अभी का सेम टाइम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो 80 केसेस थी 2022 में और इधर 430 केसेस हो गई हैं, 74 केसेस 2021 में थी, 131 केसेस 2020 में थी। जो MCD है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली जोन, उसमें वेस्ट जोन सबसे ज़्यादा हिट हुआ है। ठीक है, चिकनगुनिया केसेस में भी नंबर देखा गया है, 55 केसेस रिपोर्ट की गई हैं 28 सितंबर तक, जो कि कंपेयर किया जाए हम लास्ट ईयर से तो काफ़ी ज़्यादा है। 11 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन द पास्ट वीक, पास्ट वीक में 11 चिकनगुनिया की केसेस आई हैं। डेंगू केसेस थोड़ी सी कम है इस बार लेकिन स्टिल हाई तो है ही है। दिल्ली ने रिकॉर्ड किया 1630 जो केसेस हैं सितंबर 28 तक, जो कि डिक्रीज है पिछले साल के मुकाबले, जो कि 3000 केसेस थी, अभी थोड़ी गिरी हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से गिर जाए। नजफगढ़ जोन जो है दिल्ली का, वो सबसे ज़्यादा हिट है। अब आप बोलो कि दिल्ली का बताने की क्या जरूरत है, दिल्ली हमारा कैपिटल है, अगर यहाँ पर इस तरह के वेक्टर बॉर्न डिजीजेज जो हैं वो इतने ज़्यादा नंबर में देखे जाएंगे तो वो पूरी इंडिया में फैलने का वो क्या बोलते हैं चांसेस हो सकती है। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस क्या होती हैं, तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस वो होती हैं जिनको करता तो कोई बीमारी करने वाला ये क्या बोलते हैं माइक्रोब ही है, या तो कोई बैक्टीरिया या वायरस ये, लेकिन उसको लाने के लिए एक वेक्टर की जरूरत होती है, मतलब इसको इस बीमारी को करने के लिए एक वेक्टर चाहिए होता है। वेक्टर मतलब होता है वो जो कि देखो ये हुई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब ए, ये है बंदा बी फॉर एग्जाम्पल अ ह्यूमन जिसमें ये डिजीज कॉज करना है, इनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए बीच में एक इंटरमीडिएट चाहिए होता है, उसको बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर क्या है, एक इंटरमीडिएट है। ठीक है, अगर और सबसे अमेजिंग बात ये है कि ए जो है वो बीमारी कॉज करने वाला माइक्रोब है, वो बी को बीमारी कॉज करेगा, लेकिन ये जो वेक्टर है ना बीच में एक्स, इस वेक्टर को कुछ नहीं होगा इससे। बड़ी अमेजिंग सी साइंस नहीं है, वेक्टर को कुछ भी नहीं होता। तो ये जो वेक्टर है वो इंटरमीडिएट पार्ट है। ओके, वेक्टर बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को, बीमारी को कॉज करने के लिए वेक्टर की ज़रूरत होती है। सेम पीरियड जो है वो 631 का, उसमें दो सॉरी हाँ, तो अब हमने समझ में लिया कि वेक्टर बॉर्न डिजीज कौन कौन सी है, डेंगी मलेरिया चिकनगुनिया। डेंगी मलेरिया चिकनगुनिया में अगर हम लोग डेंगी की बात करें तो ये एक वायरस से होता है। ठीक है, अगर हम लोग मलेरिया की बात करें तो ये एक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, और अगर हम लोग चिकनगुनिया की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही तो सबसे ज़्यादा जिस्ट है, यही आपको प्रीलिम का मटेरियल, और अगर हम लोग चिकनगुनिया की बात करें तो वो एक वायरस से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, RNA वायरस से होता है। चलो और डिटेल बता दिया मैंने आपको, मलेरिया जिस प्रोटोजोआ से होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम, इसके अलग अलग स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, फैल्सीपेरम और भी बहुत सारे, फैल्सीपेरम है, मलेई है, बहुत सारे। ठीक है, तो अलग अलग स्पीसीज है, तो प्रोटोजोआ से होता है, डेंगू जो है वायरस से होता है, चिकनगुनिया भी एक वायरस से होता है, और इन सबको फैलाने वाला जो वेक्टर है वो एक कॉमन वेक्टर है, दैट इज मॉस्किटो, मच्छर फैलाते हैं। और मॉस्किटो क्यों खतरनाक है, क्योंकि मॉस्किटो जो है ना वो, अरे यार मैंने मॉस्किटो की स्पेलिंग गलत लिख दी, हाँ जी, तो मॉस्किटो जो है वो ये जो फैलाते हैं मॉस्किटो, वो बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं कि इनको नंबर बढ़ने की वजह से बढ़ता है। और ये बढ़ क्यों रहे हैं इतने ज़्यादा, तो दो तीन कारण है। पहला कारण तो ये है हीट, हीट इंक्रीज बढ़ा है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, तो इनकी ब्रीडिंग बढ़ जाती है, ब्रीडिंग पैटर्न। उसके अलावा जो है वाटर जो स्टैगनेंट होता है ना, रुका हुआ वाटर, इसी में ये लोग ब्रीड करते हैं, तो वाटर स्टैगनेंट इंक्रीज हो जाता है, उससे होता है। और तीसरी चीज़ है कि आप अपना
क्लाइमेट चेंज और स्टैग्नेंट वाटर तो है ही, तीसरा आपका है कि सैनिटेशन मेंटेन रखना है, साफ सफाई रखोगे तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो ये तीन रीजंस है जिनके वजह से रीजंस है कि इनका नंबर बढ़ाए, इंक्रीज इन नंबर, ये रीजंस के वजह से। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज थी आपके लिए। दूसरी न्यूज आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश ने थर्सडे को साइन किया एक लॉन्ग अवेटेड ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट जिसमें क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होगा, मतलब नेपाल से, इंडिया से, बांग्लादेश, तीन जगह जाएगा ये इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ट्राई बॉर्डर है, बहुत बड़ा होता है ये अग्रीमेंट में। नेपाल एक्सपोर्ट करेगा अपना सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को इंडिया होके, ठीक है, और एनुअली कब करेगा, रेनी सीजन में जून 15 से नवंबर 15 के बीच में। इंडिया यूज करेगा, नेपाल यूज करेगा इंडिया का ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी अपनी टेरिटरी से बांग्लादेश में। फर्स्ट फेज में नेपाल जो है वो 40 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को इंडिया होते हुए, और जो रेट होगी इलेक्ट्रिसिटी की वो 6.4 सेंट्स पे फिक्स होगी, ठीक है, पर यूनिट 6.4 सेंट लेगा। और ये जो एक्सपोर्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी उससे नेपाल जो है वो एनुअल इनकम कितना कमाएगा, तो 9.2 मिलियन डॉलर के हिसाब से, ऐसा नेपाली अथॉरिटी ने कहा है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट होगी ना बांग्लादेश में, अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो है वो बांग्लादेश जाएगा वाया क्या, वाया ढलकेबार मुजफ्फरपुर 400 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन, जहाँ पे मीटरिंग पॉइंट मुजफ्फरपुर में होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और दिसंबर 6, 2023 में बांग्लादेश की जो कैबिनेट इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री कमेटी है उन्होंने इंपोर्ट करने की बात की थी, अप्रूव किया था कि 40 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ये लोग इंपोर्ट करेंगे, कहाँ से, नेपाल से। लेकिन वही बात है कि अगर नेपाल से आपको इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट कराना है बांग्लादेश में तो इंडिया की मदद तो लेनी लेनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता ही, जब से ये शेख हसीना जी गए हैं तो बांग्लादेश में थोड़ा गवर्नमेंट में चेंजेस आई हैं, तो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हो जाती है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन को लेकर कि इंडिया पर डिपेंडेंसी हो गई है बांग्लादेश की। अगर बांग्लादेश को नेपाल से इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो इंडिया का तो यूज़ करना ही पड़ेगा, तो इससे रिश्ते थोड़े जो है ना वो सॉफ्ट पावर भी बढ़ती है, ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। और हमारे को भी बेनिफिट है, अगर मुजफ्फरपुर होके जाएगा तो मुजफ्फरपुर का जो क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी वाला मीटर है, इलेक्ट्रिसिटी वाला ग्रिड है, उसको बहुत हेल्प मिलेगी, है कि नहीं, तो वो वाली चीज़ हो जाती है आपको। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, तो क्योंकि बिहार में होके जाएगा तो बिहार को बहुत हेल्प मिलेगी मुजफ्फरपुर होके जा रहा है। दूसरी चीज़ बिहार से ही रिलेटेड है कि नॉर्थ बिहार में हर साल फ्लड आते ही क्यों हैं, तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, आप सबको पता भी होगा, पर फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो 15.76 लाख लोग 17 डिस्ट्रिक्ट में बिहार के अभी के फ्लड से गुजर रहे हैं नॉर्थ बिहार में, स्टेट डिजास्टर डिपार्टमेंट ने थर्सडे को कहा। नॉर्थ बिहार हर मानसून के टाइम फ्लड होती है, यहाँ पे क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक माने क्या, पशु पक्षी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, लोगों को ऊपर से मिल रहे खाने पे डिपेंड करना पड़ता है। पर ऐसा क्यों होता है, रीज़न इस साल तो ये है क्योंकि बहुत हैवी रेनफॉल हुए हैं कहाँ पे, नेपाल में, और नेपाल के फ्लड के वजह से अपने नेपाल ने बीरपुर बराज को खोल दिया। बीरपुर बराज से कोसी नदी का 6.6 लाख क्यूसेक वाटर जो है वो अभी तक बहुत हाई वॉल्यूम वाटर इंडिया में रिलीज हो गया। अब ज्योग्राफी क्या है, तो देखो बिहार में ना बहुत सारे स्नो और रेन फेड रिवर्स आती हैं जो बिहार को क्रिस क्रॉस करती हैं। तो फ्लड मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट सपोर्ट सेंटर ने बोला कि इंडिया बहुत ही फ्लड प्रोन है, जिसमें 76% नॉर्थ बिहार का रीजन इस फ्लड प्रोन रीजन में रहता है। देखो बिहार में फ्लैश फ्लड्स आती है ना, रेनफॉल नेपाल में जब छोटे टाइम पे होता है तब उसके वजह से, और रिवर फ्लड करती है 24 घंटे के टाइम में, और कभी कभी एक हफ्ता भी ले लेती है। इससे क्या हो जाता है, जो नाले होते हैं ना वो बंद जाते हैं, नाले बंद हो जाते हैं, उससे क्या होता है कि रिवर को ऑप्शन नहीं मिलता है कि वो पानी जो आया वो कहाँ से जाएगा, निकलेगा कहाँ, कुछ आउटलेट तो होना चाहिए ना। तो फर्स्ट थ्री टाइप ऑफ फ्लड जो होती है ना बिहार के लोकेशन में, वो इमीडिएटली नेपाल के साउथ वाले रीजन में होती है, जहाँ से हिमालयन नदी बहुत सारा अपने साथ मिट्टी और गर्दा लेके आती है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में नीचे लेके आती है, वहाँ ऊपर से आ रहा है ना नेपाल से, तो डाउन स्ट्रीम में मिट्टी और गर्दा लेके आती है। जैसे ये नदियाँ जैसे कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, महानंदा, अधवारा, ये सारी आती है ना, इनके साथ बारिश के टाइम ये बहुत ज़्यादा नंबर, मतलब रेन के वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इनमें वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये ओवरफ्लो करने लग जाती है अपने बैंक से। अगर ये नदी है, जैसे ये नदी है, ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ पे इनके बैंक्स है, ये रहा बैंक,
अब इतना ज्यादा पानी आ रहा है, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा सेडिमेंट वगैरह है। सेडिमेंट वगैरह आने की वजह से पानी का वॉल्यूम जो है वो और बढ़ जा रहा है नीचे। सोचो ना आप कि अगर एक हम घड़ा लेते हैं, उसमें आप नीचे मिट्टी डाल दोगे तो पानी का लेवल ऊपर ही बढ़ेगा ना। कंकड़ वाली जो कहानी है, क्रो वाली, तो उसमें क्या होता है, नीचे कंकड़ डालते हो तो ऊपर पानी का वॉल्यूम बढ़ता है ना, वही सेम चीज़ होती है। यहाँ पे इतना सेडिमेंट लेके आती है और प्लस बाढ़ भी आते हैं, इस वजह से पानी का लेवल बढ़ जाता है। तो ये वाली चीज़ है, ये सारे कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से बिहार में और ज़्यादा फ्लड आती है। उसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो छोटी छोटी नदियां है ना, उनका ड्रेनेज जो होता है या वो वाटर लॉग हो जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार में चौर्स बहुत है। ये आपको सर ने, रोहित सर ने भी बताया होगा जब आपने उनकी ज्योग्राफी पढ़ी होगी चौर्स के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि चौर क्या होता है और कौन से रीजन में होता है, साउथ बिहार में, नॉर्थ बिहार में, ठीक है। तो ये जो चौर है, इन सब के वजह से भी और ज्यादा पानी का बहाव बढ़ता है। ओके, कोसी तो है ही है, सौरव बिहार क्यों है मैं आपको कई बार समझा चुकी हूँ। कोसी अपना इतना ज्यादा बदलती है ना, वो अपना पाथ बदलती है कि कोसी अपना सारा पानी, इतना सेडिमेंट लेके आती है, पाथ बदलती रहती है कि इतना ज्यादा पानी इधर उधर आ जाता है कि ओवरफ्लो होता रहता है। और इतने सारे लोग जो कोसी वाले रीजन में ऑलमोस्ट है, वो सारे के सारे वाटर लॉग हो जाते हैं। इसका सोल्यूशन दो है। एक सोल्यूशन ये है कि आप जो कोसी का एक्सेस पानी है ना, जैसे कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा आपने, कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। इसमें देखो, मेची नदी जो है ना नेपाल की है, इसमें बहुत कम पानी है और कोसी में तो आपको पता ही कितना पानी रहता है। तो अगर हम लोग ऐसा कुछ कर दें कि कोसी का एक्सेस पानी मेची में डाल दें, तो कितने ज्यादा लोग फ्लड होने से बचेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है फ्लड को रोकने के लिए नॉर्थ बिहार में। ओके, तो कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कर सकते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक्सेस पानी हम शेयर कर सकते। उसके अलावा क्या है कि जो इम्बैंकमेंट वाला रीजन है, वहां पे थोड़ी ज्यादा इम्बैंकमेंट करो, जो एक्सेस पानी आ रहा है Q6 का, उसको किसी डैम में कन्वर्ट कर दो, किसी डैम में डाइवर्ट कर दो। ये सारे कुछ रीजन है जिस वजह से बिहार में फ्लड को रोका जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट को बहुत सीरियस होना चाहिए, जितना है उससे ज्यादा। और ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे मुझे। और कल का आंसर जो है वो है पॉक्सिविरिडे एंड डीएनए वायरस। ये आपका एमपॉक्स है, ठीक है, डीएनए वायरस है और पॉक्सिविरिडे है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, कीप स्टडी।